नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने लगाया ऊना पीड़ितों के दर्द पर मलहम, कहा पीड़ितों को न्याय मिले, गुजरात सरकार को बताया एंटी दलित सरकार। बीजेपी से निष्कासित नेता दयानंद सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, लेकिन पत्नी ने पूछा मेरी बेटी को गाली देने वालों के खिलाफ भी होगी FIR। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल को देंगे बड़ी सौगात, गोरखपुर में रखेंगे नए एम्स की आधारशिला, लेकिन बारिश बन रही है आफत। संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोपों में घिरे आप सांसद भगवंत मान, संसद में बनाए वीडियो को फेसबुक पर किया अपलोड, लोकसभा स्पीकर ने किया तलब। कश्मीर में जुमे की नमाज के मद्देनजर कई जगहों पर लगा कर्फ्यू, पत्थरबाजी की आशंका के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा, वानी के एनकाउंटर के बाद से ही तनाव में है घाटी। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन पर साधा निशाना, कहा हिलेरी ने अमेरिका को विरासत में दी मौतें, आतंक, तबाही और कमजोरी, मेरी जीत हुई तो मैक्सिको सीमा पर खड़ी कर दूंगा दीवार। भारत विंडीज टेस्ट के पहले ही दिन कोहली ने जड़ा शतक, भारत के 4 विकेट पर 302 रन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।